नमस्कार, आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज सिंगरौली बरगवा पुलिस ने मारपीट करने वाले बदमाशों को किया गिरफ्तार। सिंगरौली बरगवा थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय की बड़ी कार्यवाही। बीते दिनों स्थानीय परियोजना के सुरक्षा में लगे प्राइवेट गार्डों पर हमला करते हुए गंभीर चोटें पहुंचाने वाले गिरोह विशेष के गुर्गों को बरगवा पुलिस ने अंततः धर दबोचा है। चोरी की नियत से बीते सप्ताह 9 सितंबर को मारपीट करने वाले आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर खोजबीन जारी थी। तत्संबंध में टीआई अनिल उपाध्याय ने बताया कि 9 सितंबर को फरियादी सियानंद राजभर सिक्योरिटी सुपरवाइजर हिंडालको के साथ रात में कबाड़ चोरों द्वारा मारपीट कर चोट पहुंचाई गई थी, जिसकी सूचना पर मामला दर्ज कर एसपी अभिजीत रंजन व एएसपी प्रदीप शिंदे के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा आरोपी सुनील साकेत बिडोखर, अजय साकेत मजीगवा, पेंट बिहार बिडोखर, अशोक साकेत बिडोखर, अनिल साकेत बिडोखर, इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। आप क्या कहेंगे? एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर हिंडालको प्रोजेक्ट के थे, उनको रिपोर्ट मिली 6 सितंबर को। उनके कैंपस में कुछ चोर रात को घुस रहे थे, जो कबाड़ चोरी करने वाले होते हैं, तो उसको उन्हें रोका, ललकारा, तो वो चोर उनके ऊपर मिलकर के हमला कर दिया और उनको चोट पहुंचा करके घायल किया। उस सूचना पर अपराध 147, 144, 194, 193 का दर्ज किया गया और तलाश किए, जिसमें आरोपी सुनील साकेत, अशोक साकेत, अजय साकेत, अनिल साकेत और पिंटू दिया, ये ग्राम मड़ोखर के हैं, इनको चिन्हित किया गया और साक्ष्य के आधार पर इनको अपराधी निरूपित किया गया और कल इनको पकड़ा जाकर के और इनको गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद इनको न्यायालय भेजा गया, जहां से इनको न्यायालय के आदेश पर जेल पहुंचा दिया गया है और इस तरह से कार्रवाई भी और चल रही। कुछ आरोपी और बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन।